DKT Engineering, a Delhi knowledge track platform for JEE aspirants. Hello everyone, मेरा नाम आदित्य है. मैंने इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2023 में गोल्ड मेडल हासिल किया था. एशियन फिजिक्स ओलंपियाड 2024 में ब्रॉन्ज मेडल एंड एशियन फिजिक्स ओलंपियाड 2023 में सिल्वर मेडल मैंने हासिल किया था. तो आज मैं आप लोगों के साथ फिजिक्स ओलंपियाड के प्रिपरेशन और उसकी जर्नी से रिलेटेड कुछ बातें शेयर करने वाला हूँ. फिजिक्स ओलंपियाड के सिलेक्शन की इंडिया में 4 स्टेजेस होती हैं. सबसे पहली स्टेज होती है NSEP, नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन फिज़िक्स. इसको क्वालिफाई करके अप्रॉक्सीमेटली 300 स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेज के लिए सेलेक्ट होते हैं, जो है INPHO, इंडियन नेशनल फिज़िक्स ओलंपियाड. इंडियन नेशनल फिज़िक्स ओलंपियाड के परफॉर्मेंस के बेसिस पे जो 35 टॉप स्टूडेंट्स होते हैं अप्रॉक्सीमेटली, वो सेलेक्ट होते हैं नेक्स्ट स्टेज के लिए, जो है ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप, जो होता है HBCSE, होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन, मुंबई में. और उसके बाद इस कैंप के थ्रू फाइनली टीम सेलेक्ट होती है 5 स्टूडेंट्स की, जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं IPHO में, दैट इज़ इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में. एंड द फोर्थ स्टेज इज़ फाइनली IPHO. अगर क्वेश्चंस की बात करें तो NSEP में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो मल्टीपल चॉइसेस जिनमें करेक्ट होती हैं, और कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें सिंगल चॉइस करेक्ट होती है. INPHO में सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एंड OCSE में दोनों टाइप के टेस्ट होंगे, थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट. थ्योरी के टेस्ट INPHO टाइप्स जैसे होते हैं, बस थोड़े ज़्यादा लॉन्गर होते हैं. INPHO का पेपर 3 आवर्स का होता है, एंड OCSE में जो थ्योरी के पेपर्स होते हैं वो 5 आवर्स के होते हैं, और IPHO में भी थ्योरी के पेपर्स 5 आवर्स के ही होते हैं. OCSE में एक्सपेरिमेंट के पेपर्स भी 5 आवर्स के होते हैं, एंड IPHO में भी एक्सपेरिमेंटल पेपर्स जो होते हैं वो 5 आवर्स के होते हैं. डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो NSEP एंड INPHO बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होते. अगर आप जे एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उससे आपका NSEP एंड INPHO का 90% प्रिपरेशन हो जाएगा. जो बाकी का प्रिपरेशन है वो आपको मोस्टली आइडिया लगेगा प्रीवियस ईयर पेपर्स देख के, INPHO के मोस्टली. आप उसके लिए IPHO के प्रीवियस ईयर पेपर्स भी देख सकते हैं, बट INPHO ऑफ्टन हल्का सा ईजियर होता है IPHO से. OCSE में पेपर्स का डिफ़िकल्टी लेवल IPHO के सिमिलर होता है, बोथ इन थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट. अगर प्रिपरेशन के लिए बुक्स की बात करें तो अगर आप जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उससे आपका मोस्टली INPHO एंड NSEP के लिए थ्योरी कवर हो जाएगा. अगर आप और हायर लेवल पे थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो आप कुछ बुक्स रेफ़र कर सकते हैं, जैसे कि डेविड मोरिन फॉर मैकेनिक्स एंड EM पर्सेल फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, या फिर ग्रिफिथ्स फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. एंड आप ऐसी मॉडर्न फिजिक्स की भी बुक्स पढ़ सकते हैं, जैसे कि आर्थर बाइजर या फिर क्रेन. और टॉपिक्स पे भी मार्केट में काफ़ी बुक्स अवेलेबल हैं जो आप पढ़ सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट है तो, बट ऑफ्टन IPHO में उनका रिक्वायरमेंट नहीं होगा. जितना आप अगर आप अपने 11th-12th का सिलेबस अच्छे से पढ़ लेंगे और इन एडिशनल बुक्स को पढ़ लेंगे तो आपका ऑलमोस्ट सभी थ्योरी कवर हो जाएगा IPHO के लिए. अगर आप 11th में हैं एंड अभी आपका 12th का सिलेबस नहीं हुआ है और आप NSEP को टारगेट कर रहे हैं तो आप उसके लिए HC Verma जैसा कोई बुक पढ़ सकते हैं. NSEP में क्वेश्चंस का लेवल बहुत हार्ड नहीं होता, बट ये उसमें दोनों ही क्लासेस के टॉपिक्स आते हैं, जैसे 11th एंड 12th. तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपने सब कुछ पढ़ा हो, तो आप किसी बेसिक बुक को रेफ़र कर सकते हैं, जैसे HC Verma या फिर NCERT 11th एंड 12th क्लास की. उससे थ्योरी आपका मोस्टली कवर हो जाएगा. एंड प्रैक्टिस के लिए आप NSEP के प्रीवियस ईयर पेपर्स ही ट्राई कर सकते हैं. उसमें ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने स्पीड का ध्यान रखें, क्योंकि NSEP में बहुत क्वेश्चंस आते हैं और टाइम कम मिलता है. तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने स्पीड को इंक्रीज़ कर पाएँ
अगर OCSE की बात करें तो उसमें जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसके लिए आपको ट्रेनिंग वहीं पे HBCSE में दी जाती है, जिस टाइप के एक्सपेरिमेंट्स IPHO में आते हैं वैसे टाइप के एक्सपेरिमेंट्स जनरली स्कूल्स में अवेलेबल नहीं होते, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली जाए उन एक्सपेरिमेंट्स की। तो उसके लिए आप बहुत ज़्यादा कुछ घर पे नहीं कर पाएंगे। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने लैब में जो इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं उनके साथ फेमिलियरिटी बढ़ा लें, एरर कैलकुलेशन टाइप के टॉपिक्स को अच्छे से सीख लें, क्राफ्ट प्लॉटिंग अच्छे से सीख लें। इससे ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप घर पे कर सकते हैं जो आपको एक्सपेरिमेंटल एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगी OCSE में एंड IPHO में भी। अगर एशियन फिज़िक्स ओलंपियाड APHO की बात करें तो उसके लिए जो टीम होती है वो सिलेक्ट होती है अप टू 8 पीपल की, जिसमें टॉप परफॉर्मेंस होते हैं NACP और INPHO में स्कोर को कंबाइन करके। उसके लिए कोई आपके लिए कैंप सिलेक्शन कैंप नहीं होता। अगर आपकी NACP एंड INPHO में आप टॉप में आ जाते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन APHO की टीम में हो जाएगा। APHO के एग्ज़ाम का फॉर्मेट IPHO से सिमिलर होता है। कभी कभी APHO का थ्योरी सेक्शन और एक्सपेरिमेंटल सेक्शन भी IPHO से थोड़ा हार्ड होता है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी स्पीड और को बढ़ाएं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं APHO में जो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं, अगर आपके पास स्पीड अच्छी है तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगी उसमें। ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसके सिलेबस को अच्छे से देख लें और उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ें जो सिलेबस में है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जो आपको लगता है सिलेबस से बाहर का है तो उसमें ज़्यादातर चांस है कि वो सब रेलेवेंट थ्योरी आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में ही देंगे, कि जो भी उस सेटअप से रेलेवेंट थ्योरी है वो सब आपको क्वेश्चन के राइटअप में मिल जाएगी। आपको उसके बारे में थ्योरी के टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रिपरेशन के लिए काफ़ी रिसोर्सेज ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं और प्रैक्टिस के लिए आप दूसरी कंट्रीज़ के फिज़िक्स ओलंपियाड्स भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। इससे आपको आइडिया भी लग जाएगा कि बाकी कंट्रीज़ में कैसे फिज़िक्स ओलंपियाड की प्रिपरेशन करी जाती है, और अगर आपका टारगेट फाइनली IPHO है तो फिर उसमें भी आपको हेल्प होगी कि बाकी आप जिन बच्चों से कम्पीट कर रहे हैं वो किस लेवल पर स्टैंड करते हैं। थैंक्स CKT मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए फिज़िक्स ओलंपियाड के बारे में कुछ चीज़ें शेयर करने की।